बेटा अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, राइट, कि हमने एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट किंगडम। और आपको पता है एनिमल किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल इज एब्सेंट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक। तो अब हमने जो एनिमल किंगडम है उसको फर्दर क्लासिफाई किया है, देखिए किस तरीके से क्लासिफाई किया है मैं आपको बताता हूं। तो हमारा किंगडम था एनिमेलिया, तो हमने एनिमल किंगडम को दो मतलब क्राइटेरिया के लिए क्लासिफाई करने का, कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या और कुछ है। तो अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फाइलम बन गया पॉरीफेरा, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा में कौन से मेंबर आते हैं, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर मल्टी सेलुलर बट दे डू नॉट हैव टिश्यू। सेकेंड, अब जिनमें थोड़ा एडवांस थे, जिनमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में, कि उनमें सिमेट्री किस टाइप की है, कि रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल है। तो अगर रेडियल सिमेट्री है तो उसमें दो फाइलम आते हैं हमारा, फर्स्ट आता है सीलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, और सेकेंड फाइलम आता है टीनोफोरा, राइट। तो रेडियल सिमेट्री वाले केवल दो ही फाइलम है, सीलेंट्रेटा निडेरिया मतलब और टीनोफोरा। और आपको पता है पॉलीफेरल में तो कोई भी सिमेट्री होती नहीं है, दे आर एसिमेट्रिकल। अभी हम एक एक फाइलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जिनमें बाइलैटरल सिमेट्री थी उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें सीलोम है या नहीं है, ठीक है, बॉडी कैविटी और सीलोम। तो हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया हो गया वो हो गया सीलोम। तो देखो बेटा सीलोम की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेन जिनमें सीलोम नहीं थी उनको हमने कहा एसीलोमेट, और उनका फाइलम बन गया प्लेटीहेलमिंथेस, क्लियर। और जिनमें स्यूडो सीलोम थी, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, उसका फाइलम बन गया एसके हेलमिंथेस, ठीक है, जिसमें कि एस्केरिस आता है राउंड बॉल। और जिसमें सीलोम थी तो ज्यादातर जो फाइलम होते हैं उनके अंदर सीलोम बहुत ही ज्यादा डेवलप होती है। तो बाकी जितने ही फाइलम है, चाहे वो कॉर्डिटा हो, आर्थ्रोपोडा हो, एनिलिडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकॉर्डिटा हो, ये सारे के सारे फाइलम के अंदर बहुत ही वेल डिफाइंड सीलोम होती है, और वो सब क्या कहलाते हैं, सीलोमेट, ठीक है। ये हो गया आपको। अब हम एक एक करके सारे फाइलम जो आपको लिस्ट दी हुई है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हम फर्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पॉरीफेरा। तो देखिए पॉरीफेरा इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉरीफेरा का मीनिंग होता है पोर बियरिंग, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी पूरी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पॉरीफेरस जिनको हम स्पंज भी कहते हैं, आपने देखा लोग नहाते हैं बाथिंग स्पंज आते हैं, तो वो क्या है, एक्चुअली दे आर एनिमल्स, ओके। और जो आपके कुशन्स होते हैं गद्दों में जो स्पंज भरा रहता है, आपके जो वो पिलोज में भरा रहता है, आपके सोफा में भरा रहता है, तो जो स्पंज भरा रहता है ना बेटा, वो एनिमल्स हैं, वो कभी जिंदा थे, उनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्लियर हुआ आपको। तो एनिमल किंगडम के जितने भी एनिमल्स हैं दे आर मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं, बट ओनली द पेरिफेरल्स दे आर नॉन मोटाइल, वो प्लांट की तरह एक ही जगह ग्रो करते हैं और वहीं पर वो स्टेशनरी रहते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, ठीक है। और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं आप जाएं समुद्र में देखें तो आपको क्या है, हर जगह आपको स्पंज मिलेगा। तो आपके बुक में लिखा है मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज एंड दे आर जनरली मैराइन, मैराइन मीन्स खारे पानी में पाए जाते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था सेलुलर होता है, और इसके अंदर सबसे खास बात वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कुछ भी इन्हें लेना है देना है वो वाटर के थ्रू होता है। तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ये मैंने एक साइकिल का डायग्राम बनाया, तो साइकिल में आप देखिए जैसे इसकी बॉडी ऐसे लग रही है बॉटल शेप,
तो बॉटल शेप में क्या हुआ, इसकी बॉडी के अंदर जो पानी एंटर करता है, क्योंकि समुद्र में रहते हैं तो इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एंटर करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, छोटे छोटे पोर्स को। फिर वही पानी बाहर निकल जाता है जो ऊपर का जो माउथ है इसका, ऑस्कुलम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम चल रहा है, इसी से इसकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, देखिये जब पानी आएगा तो पानी से ही इसको क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है, या ऑक्सीजन लेना है, CO2 देना है, या वेस्ट को निकालना है, वही पानी के थ्रू होगा। द रेस्पिरेशन और आपका एक्सक्रीशन और डाइजेशन, पानी के थ्रू ही फूड आएगा, तो फूड भी जो इसका न्यूट्रिशन हो रहा है, तो सब कुछ पानी के थ्रू ही इसको मिल रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे हाथ में एक बॉटल है, तो समझ लीजिए एक साइकिल है, तो इसमें अगर मैं छोटे छोटे छेद कर दूं तो छोटे छोटे छेद क्या कहलाएंगे, ऑस्टिया कहलाएंगे, उसके थ्रू पानी अंदर एंटर करेगा। अब मान लीजिए इसके अंदर की जो लेयर्स है उसमें सेल्स हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट सेल और कॉलर सेल्स। तो जो कोनोसाइट और कॉलर सेल्स होती हैं, जो अंदर की मेम्ब्रेन में होगी अंदर की तरफ, और ये जो है इसका ऊपर वाला पोर, ये क्या कहलाएगा, ऑस्कुलम, ठीक है। तो जो अंदर सेल्स है, मैं सेल्स आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे होती है सेल्स की मटके जैसी, मटके का मतलब ये ऐसे, देखिए ये ऐसे इस तरीके से। तो इसकी पूरी जो अंदर की सरफेस है ना, उसमें इस तरीके की सेल्स पाई जाती है, कोनोसाइट सेल, और उनमें फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला की हेल्प से क्या होगा, या फ्लैजिला की वजह से हम इसको कॉलर सेल भी कह देते हैं, कि जो भी वाटर के थ्रू ये फूड भी ले लेगा, ऑक्सीजन भी ले लेगा और अपना वेस्ट भी निकाल देगा। तो ये आपको इस फाइलम में ये खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें कोनोसाइट सेल पाए जाते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। एक और बात, इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर। देखिये दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर। तो इनके अंदर पहले फूड सेल के अंदर जाएगा कोनोसाइट सेल में, और फिर फूड का डाइजेशन होगा। इन कोनोसाइट सेल को हम कॉलर सेल भी कहते हैं, ओके। दूसरी बात, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, कि जैसे हमारे स्टमक में क्या है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, खाना पच जाता है, एंजाइम्स की हेल्प से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। या इंटेस्टाइन में गया तो वहां फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो हमारे अंदर कैसा डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है। इनके अंदर क्या हो रहा है, पहले सेल के अंदर जा रहा है फिर उसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक। अब देखिए इनकी बॉडी में स्केलेटन पाए जाते हैं, स्पिकुल्स पाए जाते हैं, जिनको हम स्पंजिन फाइबर्स कहते हैं, और इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, बाइसेक्सुअल, वो मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल गैमेट। अच्छा, आप जब 12th में जाएंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे कि इनके अंदर जेम्यूल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जेम्यूल्स 12th में डिस्कस करेंगे। और वो मैंने आपको बता दिया कि ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, तो एग और स्पर्म एक ही ऑर्गेनिज में बनेगा। और स्पंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमिट्स के थ्रू। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इस बात पे ध्यान दीजिए कि दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन में लीजिए या काउ बफेलो में लीजिए, उसमें क्या होगा कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हमने क्या कहा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर आप फ्रॉग में देखिए तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कि जो फीमेल फ्रॉग होती है और जो मेल होता है फ्रॉग, दोनों ही अपने गैमेट को पानी में रिलीज कर देते हैं, और पानी में जाके दोनों गैमेट फ्यूज हो गए, तो उसको हमने क्या कहा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको सारे टर्म जानने चाहिए। तो आप इसके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसमें इसका अंदर लार्वल स्टेज है और वो बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट होगा। अब आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए इसे भी समझ लीजिए, दो टाइप के डेवलपमेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट का मतलब तो ये हुआ, जैसे हमारे अंदर होता है, आप देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर कि पहले जायगोट बना और जायगोट से फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है, वही बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो कैसे डेवलपमेंट है, डायरेक्ट कोई लार्वल स्टेज नहीं आई। लेकिन जैसे आप इंसेक्ट में देखते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा हनी बी वगैरह में या मॉस्किटो में, उसमें लार्वा बनते हैं, या इवन जो फ्रॉग वगैरह होते हैं उनमें भी लार्वल स्टेज आती है। तो जो लार्वल स्टेज है वो अपने आप में एक तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन वो जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है उससे वो थोड़ा डिफरेंट होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट प्रोसेस में लार्वल स्टेज आ रही है बीच में, तो उस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। तो उनमें डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन घूम के हो रहा है, पहले लार्वा बना फिर एडल्ट बनता, ठीक है। तो इनमें भी कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट, इसका मतलब लार्वल स्टेज आ रही है। लेकिन जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें तो लार्वा नहीं बनते, तो इनका डेवलपमेंट क्या कहलाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे टर्म आप ध्यान रखिए। और भी देखिए बहुत सारे आपको पॉरिफेरस दिए हुए हैं, यूस्पंजिया दिया हुआ है, इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, बी वाला, देखिए बिल्कुल आपके होगा बाथरूम के अंदर बाथ स्पंज, ठीक है, देख सकते हैं आप फिगर, ये वाला बाथ स्पंज कहते हैं इसको। और ये नीचे स्पंजिला दिया हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है ये, लिखा भी हुआ इसमें। अब चलिए हम नेक्स्ट फाइलम की ओर जाते हैं। तो बेटा अब आपको ये पढ़ना है, हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप, जैसे हम पॉलीफेरा से निडेरिया में जाएंगे या निडेरिया से अगले फाइलम में जाएंगे, तो आप देखिए जो अगला नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे वो एडवांस होगा पहले वाले से, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक बात और नोट करते रहिए कि जब आप मान लीजिए पॉलीफेरा से सीलेंट्रेटा में आए, तो क्या चेंजेस आए, वो किन चीजों में एडवांस हो गया, ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट करते रहेंगे, इस पर जरा फोकस करिएगा। तो आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है अपने अंदर, एनालिटिकल पावर डेवलप करनी है। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो उसमें यही है, मतलब रॉट लर्निंग में विश्वास नहीं करना है। इवन बायोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड, चीजों को एनालाइज करेंगे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो देखिए जो फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया जो है, इसके जो मेंबर हैं वो क्या है, वो फ्री स्विमिंग है, रेडियली सिमेट्रिकल है। हाँ, तो इसके मेंबर्स क्या है, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा कि इसके मेंबर्स हैं, एक्वेटिक में पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन है, खारे पानी में रहते हैं, सिसाइल है, सिसाइल का मतलब नीचे कोई स्टॉक नहीं है, स्टॉक समझते ना आप, जैसे मान लीजिए चेयर है, तो चेयर के नीचे उसका एक बेस होता है जिसके ऊपर चेयर टिकी रहती है, तो वो स्टॉक कहलाएगा, ठीक है, लेकिन के पास कोई भी स्टॉक नहीं है, फ्री स्विमिंग है, रेडियली सिमेट्रिकल है। और इनको निडेरिया क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने हाइड्रा का डायग्राम बनाया, आप इसे फोकस करिए, तो हाइड्रा में आप देखिए ये इसकी बॉडी है और ये इसका हाइपोस्टोम है। अब आप कहेंगे हाइपोस्टोम क्या होता है, हाइपोस्टोम मीन्स ये इसका माउथ भी है और ये इसका एनस भी है, एंड एनस एंड एनस, ये दोनों का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब ये खाता भी इसी से और निकालता भी इसी से, ठीक है, होता कैसे है, लेकिन जो इसके ये आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं टेंटेकल्स। तो टेंटेकल्स की हेल्प से क्या करता है, ये अपने शिकार को पकड़ लेता है, शिकार को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रे, PREY, अपने शिकार को पकड़ लेगा। अब शिकार क्या आसानी से पकड़ में आ जाएगा, वो भागने की कोशिश तो करेगा, तो होता क्या है, टेंटेकल्स की टिप पर स्पेशल सेल होती है जिनको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है। तो नीडोब्लास्ट सेल में समझ लीजिए वो इंजेक्शन का काम करती है, ये क्या करता है, अपने शिकार में इंजेक्शन लगाता है, पहले इंजेक्शन लगाएगा उसको बेहोश कर देगा समझ लीजिए, फिर उसको टेंटेकल्स की हेल्प से हाइपोस्टोम में डालेगा, और फिर वो ये जो कैविटी है इसकी, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर का मतलब डाइजेशन होगा, तो यहाँ पर फूड आ गया। अब जब फूड यहाँ पहुंच गया तो समझ लीजिए इस कैविटी के अंदर उस फूड की चटनी बना दी जाएगी, जैसे हमारे होता है ना डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ बिल्कुल
जूस बना दिया जाएगा और उसमें से जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होगा उसको हाइपोस्टोम के थ्रू ही बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा हाइपोस्टोम किसका काम करेगा, माउथ और एनस का, दोनों का काम करेगा। एक बात और, नीडोब्लास्ट सेल के कारण इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है, निडेरिया। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए पॉलीफेरल में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें क्या एडवांसमेंट आया, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इनकी जो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, दिस इज द गैस्ट्रोवैस्कुलर, ठीक है, कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी, उसकी केवल एक ही ओपनिंग है। जैसे हमारी तो दो है, खाते हैं हम अलग उससे, माउथ से निकालते हैं एनस से, ये दोनों काम एक से ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और इनके जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हो सकता है, होता ही है। निडेरियस में दो बेसिक फॉर्म पाई जाती है, पॉलिप एंड मेडुसा, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखो बेटा जैसे पॉलिप और मेडुसा क्या होता है, जैसे ये फॉर्म है, ये वाली है, इसका नाम हमने रखा है मेडुसा। तो जो मेडुसा फॉर्म होती है ये अम्ब्रेला की तरह लगती है, आप ध्यान रखिए अम्ब्रेला के स्पेलिंग में भी एम आता है और मेडुसा की फॉर्म में, तो ये अम्ब्रेला की तरह लगती है। और ये जो दूसरी फॉर्म है ये वाले, इसको कहते हैं पॉलिप, जो हाइड्रा की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पॉलिप और मेडुसा कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मैं ओबेलिया की बात करते हैं, ओबेलिया में ऐसा होता है, ओबेलिया भी एक सिलेंड्रिक है, तो उसकी जो पॉलिप फॉर्म, पॉलिप मतलब यहाँ ई और लगा लीजिए, ठीक है, स्पेलिंग में ई और लगा हुआ है बेटा, तो कहीं लगा हुआ है कहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा लीजिए तो भी अच्छा है। तो देखिए जो पॉलिप फॉर्म होगी जो इसकी तरह हाइड्रा की तरह, वो जब उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेडुसा बन जाएगा। मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला की तरह, और जो मेडुसा में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलीफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में से बनती रहती हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या एक नया टर्म दे दीजिए उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। बेटा ये सारे टर्म ध्यान रखिए, एग्जाम में दे दूंगा, टेस्ट में ढूंढते रह जाओगे, सर जी ने मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां से दे दिया और मेटाजेनेसिस कहां से दे दिया, हमने तो पूरी किताब पढ़ी, मिल नहीं रहा, तो ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है बेटा। हाँ अब देखिए इसके और क्या क्या एग्जांपल है, फाइलम सिलेंड्रिटा के, फाइसेलिया है जिसको हम पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा हुआ है इसको, छोटा सा ही होता है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा जहाज है, वैसे नाम लग दिया इसका, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एक सी एनिमोन होता है, एक सी पेन होता है जिसका साइंटिफिक नेम है पेनेंटुला, सी फैन भी होता है इसमें, और एक ब्रेन कोरल होता है, राइट। चलिए सब आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज टीनोफोरा। तो देखिए जो टीनोफोरा है पहले भी सिलेंट्रेटा का ही मेंबर था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेली। इसके मेंबर्स को हम जनरली क्या कहते हैं, सी वॉलनट मतलब समुद्री अखरोट, या कॉम्ब जेलीज कह सकते हैं आप। देखिए ऐसे देखिए, जैसे ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे खरबूजा हो, है ना, खरबूजे में जैसे फांक बनी रहती है, डिजाइन बना रहता है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे आप। और ये क्या है, मैराइन है, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा। और बॉडी में क्या होता है, एट एक्सटर्नल रोज है, सिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए मतलब ये आठ रोज होंगे, कैसे होंगे ये सिलेटेड कॉम्प्लेक्स, आठ होंगे, ओके ये ध्यान रखना। तो ये किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, तो दोनों टाइप का डाइजेशन होगा, जैसे कि सिलेंट्रेटा में था क्योंकि सिलेंट्रेटा का मेंबर था पहले ही, तो दोनों ही डाइजेशन मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, कैविटी में भी होगा और सेल के अंदर भी होगा। सेल के अंदर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, इंट्रा सेलुलर,
ओके एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना, प्रेम कुमार जी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, क्या बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट को एमिट करते हैं। जैसे आपने जुगनू सुना है ना, जुगनू होते हैं, जुगनू आप कभी गांव वगैरह में रात को, उन्हें फायर फ्लाई कहते हैं, वो रात के टाइम लाइट चमकते रहते हैं, ठीक है। तो जब मैं छोटा था मैं पकड़ लेता था और मैं सोचता था कि लाइट बुझा के मारूंगा, तो मैं उन्हें अपने घर के पानी के घड़े में डाल देता था, लेकिन वो तो इंसेक्ट है तो उड़ जाते थे भाई, उनकी लाइट में बुझा नहीं पाया, ठीक है। तो ये जो मतलब जैसे उनमें फायर फ्लाई जुगनू के अंदर लाइट होती है, वो एमिट करते हैं लाइट को, इन द सेम मैनर जो टीलोफोर्स हैं वो भी लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाइसेक्सुअल है ये, मेल फीमेल एक में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होगा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आप जानते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए, ठीक है, भूमिका आप बताइए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, मैंने लार्वल स्टेज आती है इसका मतलब इसके डेवलपमेंट में, ओके।